हाँ जी ज्ञान की परिभाषा बाबा ने बोला है, ज्ञान माना जानकारी, बाप का जानकारी। तो जितना जितना बाप का जानकारी होती है उतना अपना याद भी सहज होता है ना, याद भी सहज होता है। हाँ, लेकिन बाबा जो अष्टदेव है केवल वो भी बाप के बारे में मैं जो हूँ जैसा हूँ जिसमें बात कर रहा है वही समझ सकते हैं ना, पूरा पूरा ज्ञान करें। पूरा ज्ञान भी प्रैक्टिकल में धारण करना पड़े ना, तो जो प्रैक्टिकल में पूरा ज्ञान धारण करते हैं उनको याद करना सहज होगा या कठिन होगा? सहज हो जाता है। लेकिन बाबा जो 9 नंबर से हमारा वो 8 के छोड़कर जो 4.5 लाख जो 8वें नंबर का बाप का पूरा याद नहीं होता, क्योंकि वो सजा खाते हैं थोड़ा कम या ज्यादा उनको, तब ज्ञान की ज्ञानी तो आत्मा का लिस्ट में डालना है, भाग्य के लिस्ट में डालना है, क्योंकि पूरा ज्ञान का नहीं होता, सजा खाती है। नंबरवार ज्ञानी कहेंगे और नंबरवार भक्त कहेंगे, को भी नंबर बनते हैं तो नंबर बार कहेंगे या 100% कहेंगे? 8 को भी नंबर बार कहेंगे, लेकिन वो शिक्षा ऐसे बचते हैं ना, सारे ऐसे बचते हैं। अभी तो बताया बाप समान तो एक ही बनता है जो प्लस में आता है, बाकी तो सब नंबर बार हैं। जन 8 को एक क्यों दिया बाबा से? कहा दिया, उनका भी तो नंबर है, लेकिन शिक्षा से वो एग्जाम होते हैं ना बाबा, शिक्षा से वो फंसते हैं ना, शिक्षा नहीं पाते ना, शिक्षा नहीं हो, शिक्षा नहीं मिलता है ना उनको, सुरक्षित होते हैं शिक्षा से, माने दंड नहीं खाते, सजा नहीं खाते। सजा वो तो ठीक है, स्कूल कॉलेजों में भी रिजल्ट निकलता है तो पास विद ऑनर निकाले जाते हैं ना, ऐसे यहाँ भी है। नंबर जो है वो प्लस का ही वास्तव में नंबर है, शिव बाप तो नंबर में आता ही नहीं है, नंबर उनके बनते हैं जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, वो चक्कर में ही नहीं आता तो प्लस में नंबर रखा गया है। कोई भी एग्जामिनर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राम लक्ष्मण चार धर्मों का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है, हर राम के पाद का उनको पाद का माना बाबा ने कहा कि श्रीमद भारत में राम की पादों को लेकर के सिंह करके जाकर के गद्दी पर बिताए, कौन सी धर्म की आत्मा बाकी श्रीमद को श्रीमत एक की लेना चाहिए या दो की लेना चाहिए? लेकिन भरत ने एक पादुका उठाई, एक बुद्ध रूपी पांव को पकड़ा, या राइटियस और लेफ्टिस्ट दो बुद्ध रूपी पांव को पकड़ा, यही गड़बड़ हो गया। इसलिए भक्त की लिस्ट में आ गया। तो
मात और पिता ये दो हो गए। वास्तव में एक की मत पर अटल रहेंगे तो कभी भी ऊंचे ऊंचे नहीं होंगे। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु मत एक की माननी है। और चार धर्मों में तो देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत को उठाती है। हाँ जी, चार में से एक ही है जो एक की मत को उठाती है, बाकी तो जो भी आत्माएं हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों में फंस जाती हैं। और माला भी ऐसे ही बनेगी। माला में जो पहले नंबर का मणका है उससे ऊपर तो कोई और है ही नहीं साकार में। बाकी जो दूसरे तीसरे नंबर के मणके हैं वो भी तो रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री में तो नंबर ही होते हैं। तीसरे नंबर का मणका होगा तो ऐसे नहीं वो एक की ही बात मानेगा, नहीं उसको दो नंबर की भी बात माननी पड़े और पहले नंबर की भी बात माननी पड़े। तीसरे नंबर का होगा तो उसे दो नंबर की भी माननी पड़े, पहले नंबर की भी माननी पड़े। इसलिए कहा जाता है बड़ा कहावना अति दुख पावना। ज्यादा सामना करना पड़ता है। जितना जितना साकार की संहिता रंग लेता उतना उतना ज्यादा साधन, लेकिन कोई चीज एक बार देखते हैं तो उसे जरूर करना है। जब एक ही द्वारा पूरे सौ हमको श्रीमत दे रहा है, ये उससे जब पत्ता होती है उसको सागर में बार बार संग करने का जरूरत है। बार बार सेवा मत देता है, सिर्फ मत ही देता है या करण करावनहार भी है? तो जब करण हार है तो बिंदु रूप में है या साकार में है? साकार में है। बाबू साकार तो देखा है एक बार, साकार द्वारा सेवा दे रहा है वो पक्का इसी शरीर द्वारा ही शिव सुप्रीम सेवा दे रहा है। ये उससे होता है एक बार देखा है साकार, उनको बार बार उनकी संग का रंग रहा आने की जरूरत थी। दूसरे बार ऐसा कहा एक बार देखेंगे तो जरूर आ जाएंगे, आ जाएंगे इस बार। संगात संजायते कामा, जितना जास्ती संग करेंगे उतनी जास्ती कामना पैदा होगी, और जैसे का संग करेंगे वैसी ही कामना प्राप्त होगी। ये नियम है। जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं वो सिर्फ निराकार को याद करती है, इसलिए गुणवान बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि निराकार तो निर्गुण है।
गुण आ ही नहीं सकते। एक बार से नहीं होता है, एक बार से ही उसको ही होगा जिसने लगातार 63 जन्म एक के साथ लिए होंगे। उसको एक बार देखना ही काफी है। लैला मजनू की भी कथा आती है, शीरी फरहाद की भी कथा आती है। एक बार जीवन में देखा तो बस चटक गए। ये 63 जन्मों का हिसाब किताब है। ये ऐसा कहने की ऐसा क्यों तो एक बार कोई चीज एक बार देखेंगे तो जेल में आ जाएंगे, ऐसा भी बोला है ना? एक बार देखेंगे तो याद एक बार जरूर आएगी, बाकी उनको याद नहीं आएगी जिन्होंने कम संग किया है 63 जन्मों में। उनको एक बार से पेट नहीं भरेगा। लेकिन जो सृष्टि में सदा कायम कोई चीज है नहीं तो सदा कायम तो एक शिव बाबा है बोल दिया, ये साकार की तरफ इशारा दिया। माना वो अंत तक और आत्मा के मुकाबले से स्वस्थिति में ज्यादा रहती है, दो स्थिति में ज्यादा स्वस्थिति में, इसलिए तो शिव बाबा सदा कायम बोला है। लेकिन जो यवन इंप्योर की बात आती है, जब सुप्रीम सोल शिव बाप के रूप में प्रत्यक्ष होती है 1976 से, जिस सागर द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं उसको लागू होता है यहाँ यवन इंप्योर नहीं था। उस समय तो शुरुआत है 76 जो है वो शुरुआत है या अंतिम क्षण है? शुरुआत है। हाँ जी, अंतिम क्षण तो तब कहेंगे। जब तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, समय और संपर्कियों के द्वारा, संबंधियों के द्वारा, हर प्रकार से संग का रंग बढ़ता जाए साकार के साथ, तो जब साकार के साथ लगातार संग का रंग बढ़ेगा तो रंग लगेगा या नहीं लगेगा? साकार बाप को चाहे राम की आत्मा हो, चाहे कृष्ण की आत्मा हो, या कोई भी धर्म पिता की आत्मा हो, आत्माओं को संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? जरूर लगता है, एक शिव की है। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है कि कोई ने बहुत याद किया है और कोई ने कम याद किया है। कोई ने बहुत बैटरी चार्ज की है और कोई ने कम चार्ज की है। तो जिन्होंने बैटरी बहुत चार्ज की है वो 84 जन्मों में अनेकों के संग के रंग में आने के बावजूद भी वो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ है, रोशनी की लीक रह जाती है। इसलिए बोला कि तुम पूरे नहीं डूबते हो, चोटी रह जाती है
और चोटी ब्राह्मणों को होती है या और धर्म वालों को होती है? तो तुम चोटी के ब्राह्मण हो, पूरे नहीं डूबते हो, कुछ न कुछ रह जाता है, तो चोटी पकड़ के खींचता हूं। ज्योति पूरी जुआई हुई नहीं होती है, पूरी ज्योति उजी आई हो या जाए, हो जाए फिर तो बीज ही खत्म हो जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज कभी खत्म नहीं होता, बीज माने ज्योति बिंदु, बिंदु माने आत्मा। ये शरीर माने झाड़, और एक ज्योति बिंदु नहीं है जो 84 जन्म तक बरकरार रहता है, एक बीज नहीं है। कितने बीज हैं? 4.5 लाख नंबर वार बीज है जो बरकरार रहते हैं। उनमें भी कैटेगरीज हैं। 4.5 लाख तो प्रजा है, प्रजा में अपनी अकल होती है या राजा की अकल के आधार पर प्रजा चलती है? तो मूल बीज हैं 108, जिनके लिए शास्त्रों में दिखाया गया है कि जब सारी सृष्टि में जलमयी हो गई तो जीवन रूपी नैया में 108 बीज रख करके सृष्टि को बचाया। और फिर से सृष्टि फलीभूत हो गई। वो 108 बीज भी नंबरवार हैं, क्योंकि ये वैरायटी झाड़ है। सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ का मूल बीज एक ही है। ये पूरा लोप नहीं हो सकता। अहम बीज प्रदपिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ, ज्ञान का बीज बोने वाला। प्रजापिता नहीं है बीज बोने वाला। अहम जिसने कहा मैं, एक वचन, वो बोलने वाली एक ही आत्मा है। भक्ति मार्ग में आदनारेश्वर मूर्तियां बनाया, आदनारेश्वर मूर्ति बनाया, उसका अर्थ क्या? जो गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, संस्कृत में त्वम शब्द एक के लिए गाया जाता है, दो के लिए गाया जाता है या बहुतों के लिए गाया जाता है? त्वम युवाम यूयम, त्वम माने तू, युवाम माने तुम दो, यूयम माने तुम सब। तो त्वम एव माता, तू ही मेरी माता है।
मेरा पिता है। ये किसके लिए कहा गया? शिव ज्योति बिंदु के लिए कहा गया? बिंदु के लिए नहीं, साकार में प्रवेश। या शिव ज्योति बिंदु जब साकार में प्रवेश करता है तब कहा गया? साकार में प्रवेश करते हैं तो साकार में प्रवेश करते हैं तो बच्चों के सामने पहले किस रूप में प्रत्यक्ष होते हैं? माँ के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। कौन प्रत्यक्ष होता है? शिव। तो कहा गया त्वमेव माता, त्वमेव पिता, तू ही मेरा पिता है। माता है तो साकारी रूप है, माता निराकार नहीं होती है। तू ही पिता है, पिता बीज होता है वो निराकार है। और बड़े बड़े ग्रुप का पानी है तो जिनको ठीक से खराब हो जाएगा। 2033 में बड़े बड़े ग्रुप का पानी रहेंगे जम्बूद्वीप के साथ सब कुछ खलास हो जाएगा। ग्रुप पानी का जम्बूद्वीप के साथ सब कुछ नहीं खलास हो जाएगा, माउंट आबू खलास हो जाएगा। माउंट आबू खलास हो जाएगा, जम्बूद्वीप नहीं खलास हो जाएगा। जो माउंट आबू अंत तक बचा रहेगा वो भी अंतिम विस्फोट में खलास हो जाएगा। अंतिम ज्वालामुखी ऐसे बड़े बड़े फटेंगे कि वो भी नहीं ठहर सकेगा। भारत तो अविनाशी देश है, हाँ उसका विनाश नहीं हो सकता। नहीं, 2018 में कैसे होगा? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुमको, तुम बच्चों को 40 वर्ष लगते हैं, 50 वर्ष लगते हैं। तो नंबर वार कहा गया या सबके लिए कहा गया? नंबर वार कहा गया। और संगम की आयु तो बाबा प्रजावर्ग के बच्चों से तो बात नहीं करते हैं, बाबा राजवर्ग के राजा बनने वाले बच्चों, राजा बेटे बच्चों से बात करते हैं या प्रजा से बात करते हैं? जो राजा बनने वाले 108 बच्चे हैं उनसे बोला कि उनको ये 10 साल लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। जब राजवर्ग की आत्माएं सतो प्रधान बन जाए तो नंबर वार उनके फॉलोअर्स तो प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है। संगम की आयु भी 12,000 से ज्यादा सौ साल है। आयु एक है जिस प्रक्रिया से शरण होती है, जिस प्रक्रिया से जिस कर्म से शक्ति मतलब बीज शरण होती है, नष्ट होती है, वो है इम्प्यूरिटी। ये और दूसरी है जो फरना है अभिमान उसके बारे में होती है वो है इम्प्यूरिटी। मतलब जो यवर इम्प्योर जो होता है वो व्यभिचारी होता है। इम्प्योरिटी भी दो प्रकार की है, एक स्त्री के साथ इम्प्योर बनते हैं वो भी इम्प्योरिटी है,
और अनेकों के साथ जो इम्प्योर बनते हैं वो एवर इम्प्योरिटी में चला जाता है एक्सेस होने पर। ऐसी प्रक्रिया जो एवर इम्प्योर जो है जो साकार उसको भी होता है अंत में। संघ का रंग तो सभी को लगता है, सुप्रीम सोल शिव भी पार्शलिटी थोड़े ही करता है कि मैं ब्रह्मा में प्रवेश हूं तो इसके तन में जो शुगर है वो मैं कम कर दूंगा या खांसी की जो पराकाष्ठा हो जा रही थी उसको कम कर दूंगा, नहीं। वो पुरुषार्थ के आधार पर है, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसको उतना संघ का रंग मिलेगा, नहीं तो पुरुषार्थ बेकार हो जाता है। इतना ज्यादा संकरण करते हैं, इतना ज्यादा उतना ज्यादा क्या है, ये तो बैटरी की पावर है, कोई बैटरी में ज्यादा पावर है कोई बैटरी में ज्यादा कम पावर है, कोई बड़ा बैटरा है कोई छोटा बैटरा है, ड्रामा प्लान अनुसार ड्रामा में सब नुदा हुआ है, कोई कुछ कर नहीं सकता। और प्रजापिता से लेकर के और 700-750 करोड़ भी जो भी आत्मा है सब तमो प्रधान बनते हैं, धोखेबाज बनते हैं कलयुग अंत में और वफादार बनते हैं सतयुग आदि में, है नंबर बार, नंबर बार वफादार भी हैं और नंबर बार धोखेबाज भी है। हाँ, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब कहे, लक्ष्मी नारायण का जन्म कहे 76 में हुआ, तो जो जन्म है वो सतो प्रधानता का है या तमो प्रधानता का है, सतो प्रधानता का जन्म है, फिर शूटिंग शुरू होती है, तो जब फिर शूटिंग शुरू होती है तो संघ का रंग बढ़ेगा या घटेगा, अब उस प्रजापिता के आधार पर सबका हिसाब लगाया जा सकता है। जो जिस समय एडवांस में आता है उस समय सतो प्रधानता में है या तमो प्रधानता में है, एडवांस में आने के बावजूद भी जो जिस समय सतो प्रधानता में पहली बार आता है एडवांस में वो सतो प्रधान खुशी की स्टेज होती है या दुख की स्टेज होती है, तो जो पहले पहले सतो प्रधान स्टेज होती है प्रजापिता की उसी के आधार पर सबका हिसाब नुदा हुआ है, सभी आत्माएं चार अवस्थाओं से पसार होती है, कोई के पसार होने का क्रम लंबा है और कोई का शॉर्ट है, कहाँ शॉर्ट है, 76 से लेकर के 2036 तक तमो प्रधान आत्मा विनाश का निमित्त बनेगी या सतो प्रधान आत्मा विनाश का निमित्त बनेगी, वो पुरुषार्थ का आरंभ है या पुरुषार्थ का अंत है, पुरुषार्थ का अंत है। हाँ,
लेकिन पुरुषार्थ की जो अंतिम स्टेज है, संपूर्ण स्टेज है, वो है 100% अमोघ वीर्य, और उससे पहले है नंबर बार। वो पीरियड अप्रैल 2018 में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत कोई तो करेगा, कौन करेगा? बस उसके पहले उसका इंफिनिटी की बात जरूर होता है, उसके पहले जो समय है 2018 औरों के मुकाबले कम होगा या ज्यादा होगा? औरों के मुकाबले कम क्षरण होगा या ज्यादा क्षरण होगा? मेरा मतलब है कम क्षरण होगा ज्यादा, कम शरण ज्यादा शरण। सुप्रीम सोल बाबा, अरे हर बात सुप्रीम सोल शिव के ऊपर डाल देते, शिव पार्शलिटी नहीं करता है, भले प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बावजूद भी शरीर की कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना सिखाता है। भले प्रभाव में आती है लेकिन थोड़े समय में सुप्रीम सोल की संग रंग से वो बाहर आती है ना, थोड़े समय में। सुप्रीम सोल का शंकर रंग वो तो बाबा ने बता दिया, तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुमको नहीं लगता है? लगता है ना बाबा। अरे सभी को लगता है वो, लेकिन वो याद के ऊपर है, जो जितना याद करेगा उतना मैं उसके साथ हूँ। बाप से ज्यादा कौन कर सकते हैं उसके बारे बातें, हम सबको जानते हैं। शिव को जो शंकर जितना याद करते हैं वो कोई याद नहीं करता है ना बाबा, शंकर जास्ती याद करते हैं। और माता है ज्ञान में चलाने के लिए, माता है ध्यान में चलाने के लिए, जो भाई लोग सहयोग देता है वह भी सचिन में आता है बाबा। माताओं को ज्ञान में चलाने के लिए जो भाई लोग सहयोग देते हैं, हाँ, भाई लोग भी सचिन में आते हैं। अरे युगल की बात है, नहीं आता। कभी कभी गुरु गुड़ रह जाते हैं, चेले शक्कर हो जाते हैं, टीचर टीचर बन करके रह जाते हैं और स्टूडेंट आगे निकल जाते हैं, ऐसे होता है कि नहीं? तो यहां भी ऐसे हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज्ञान में चलाने वाला आगे भी जा सकता है और ज्ञान में चलाने वाला पीछे भी रह सकता है। जब बने तब ना, अभी है तो विष्णु कभी, अभी है या नहीं है? अभी नहीं है, अभी तो नहीं है। विष्णु कब होता है? विष्णु सिर्फ संगम युग में होता है या हर युग में होता है? संगम में होता है। विष्णु कभी कहा जाता है जब विष्णु नहीं है। हाँ अभी तो है ना, तो अभी विष्णु भी नहीं है, विष्णु है ही नहीं अभी इस संसार में। जब विष्णु बनते हैं तब वो लागू, विष्णु बनते हैं तब वो लागू होगा। जब विष्णु बनते हैं नीचे नहीं उतरते हैं। हाँ जब विष्णु बनेगा तो नीचे क्यों उतरेगा?
जब तक संगम रहेगा तब तक विष्णु चरती कला में ही रहेगा। और ये धनुष है पुरुषार्थ की निशानी, धनुष को चाप भी कहते हैं, शंकर चाप जहाज, चाप कहो चाहे जहाज कहो, यही चढ़े उतरे पार नर बूढ़ी सकल संसार। माना ये संगम युग में ब्राह्मणों को जो शरीर मिलता है उस शरीर में पुरुषार्थ का इतना मादा है कि उसमें लचीलापन जास्ती हो तो अच्छा पुरुषार्थ होगा। ऐसा लचीलापन हो जो शिव के धनुष में भी लचीलापन नहीं था। शिव का धनुष कौन सा है? ब्रह्मा, वही दधीची है जिसने हड्डियां स्वाहा कर दी इस ईश्वरीय यज्ञ में। उस दधीच ऋषि के पुरुषार्थ रूपी धनुष को भी किसने तोड़ा? राम वाली आत्मा ने तोड़ दिया। भागवत में दिखाते हैं कृष्ण ने तोड़ दिया। अब कृष्ण और राम वाली आत्मा तो एक ही है, भागवत में कृष्ण का रूप दिखाई दिया है, रामायण में राम का रूप दिखाई दिया है, तन तो एक ही प्रजापिता का है। साकार में निराकार को कौन? क्यों? जब एडवांस ज्ञान मिलेगा, जब एडवांस ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा तो वो तीखी याद करेगी औरों के मुकाबले, या मध्यम याद करेगी या निष्कष्ट याद करेगी? सबसे जाती तीखी याद वो ही करेगी। शूटिंग का पीरियड तो सन 1936 से लेकर 2036 तक शूटिंग ही शूटिंग है। और लास्ट ये संगम युग सारा ही रिहर्सल का पीरियड है। आत्मा में अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग हो रही है। और लास्ट से फास्ट कीजिए उसके लिए काम होता है, जिसमें जितनी जास्ती जन्म जन्मांतर की प्योरिटी भरी हुई होगी एडवांस ज्ञान लेने के बाद वो उतना ही तीखा जाएगा। हो गया? कैसे हो गया? अभी कैसे? अभी प्रैक्टिकल तो शुरू भी नहीं हुआ एडवांस पार्टी में। एडवांस पार्टी का जो शूटिंग का काल है वो मनसा के संकल्पों के आधार पर चल रहा है या प्रैक्टिकल चल रहा है? संकल्पों के आधार पर चल रहा है। प्रैक्टिकल तो तब हो जब विष्णु का पाठधारी प्रत्यक्ष हो, विष्णु से ही प्रैक्टिकल होता है। हाजी उसका मतलब यही
चक्र में जब पूरी पीरियड बताया ना, 45 से 26 तक, 76 से 88 तक हुआ, 82 से 96 तक हुआ और 93 तक बताया ना, हाँ जी इनका तो पूरा हुआ ना अभी ऐसा 2004 तक वो संकल्पों के आधार पर शूटिंग का हिसाब है। तो काट गया 2004 से बात प्रैक्टिकल जहाँ से बोला है कि जो सर्विस अभी तक किसी ने नहीं की है वो अफ्रीका ने शुरू की है, तब से प्रैक्टिकल शुरू हो गया। माना अफ्रीका में ये एडवांस ज्ञान पहुंच चुका 2004 से बात हो, पूरा तो तभी पहुंचता है जब रूबरू सुनते सुनाते हैं। ये ज्ञान रूबरू सुनने सुनाने का है, रूबरू माने आमने सामने सन्मुख। लिटरेचर से पूरा नहीं समझा जा सकता, सब प्रश्नों का समाधान लिटरेचर से नहीं होता है। अंतकाल में जो स्त्री से मिले उनका गति मतलब अंकित हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अंतकाल में स्त्री की ऐसी चुनते नहीं पुरुष में, क्योंकि जो पति पत्नी की जो गहराई संबंध है उस अंत अंतिम समय में पत्नी पति में आते हैं या पत्नी में आते हैं, जिसके आधार पर उनका शरीर बनती है। दो जन्म मिल सकते हैं एक साथ है, तो क्या पति पत्नी को नहीं याद कर सकते? बस कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, क्योंकि स्त्री सिर्फ स्त्री को क्यों बताया, पुरुष को क्यों नहीं बताया? अंतकाल में दो स्त्री मिले, अंतकाल में जो पुरुष मिले कि स्त्री चोला ऐसा चोला है जिसमें संग का रंग लगता है तो जास्ती पतित बनता है। पुरुष पतित बनेगा तो उसमें कोई खून घुस जाएगा स्त्री का। स्त्री पतित बनती है, व्यभिचारिणी बनती है तो अनेकों पुरुषों के साथ बनेगी तो अनेक पुरुषों का खून उसके पेट में चला जाएगा। इसलिए ये अंतर पड़ जाता है। स्त्रियों का प्रदूषण अच्छा नहीं है, इसलिए भगवान भी पुरुष रूप में आता है या स्त्री रूप में आता है? क्यों? क्योंकि तो स्त्री रूप में आएगा, हाँ अगर स्त्री रूप में आएगा तो पतितों को पावन नहीं बनाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा। हाँ जी माउंट आबू में जो जाते हैं ब्रह्मा कुमार, वो ब्रह्मा का आवाहन कैसे करते हैं? दुनिया में जो भूत प्रेतों का आवाहन करते हैं वो कैसे करते हैं? उस आत्मा को याद किया और वो आ जाती है। आपके याद में रहा था बाबा की याद में रह करके किसी आत्मा को सर्च लाइट देना, श्राद्ध आदि करते थे। हाँ वो सोल वो पितरों की सोल आती थी, हाँ, और ब्राह्मणों में प्रवेश करती थी। अभी तो ब्राह्मण भी बहुत तमो प्रधान हो गए हैं और वो पितर भी बहुत तमो प्रधान हो गए, इसलिए प्रवेश होना बंद हो गया। और तो संगठन रूप से बड़ी अच्छी बात है, संगठित होकर के याद करना तो और अच्छी बात है।
लेकिन यार रिश्ते अलग अलग होते हैं बाबा। हाँ जी, सबको संकल्प में कुछ का ज्यादा आनंद है, संकल्प होती है। ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा बढ़ाओ संगठन में, संगठन को परिष्कृत बनाना चाहिए, संगठन में ऐसी आत्माओं को परमिशन न दो जिन्होंने भक्ति नहीं की है अथवा जो क्लास ही अटेंड नहीं करती है, बाबा की मुरली ही नहीं सुनती है। बाप को याद करना है, बाबा का याद करना है, और दूसरी बात सबसे सही आप नारायण को याद करना। ये आपने वाक्य बनाया हुआ है, ये असली वाक्य है, शिव बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनते हैं। बाबा का याद करना तो बाप क्यों लगा दिया? कैसे ये कन्वर्शन होता है, ये बाबा के महावाक्यों का कन्वर्शन हो जाता है। कन्वर्शन वाले वाक्य बोलने से कन्वर्टेड होते हैं। बाप शब्द नहीं है, बाप को याद करने की बात नहीं है, बाप तुम्हारी बुद्धि में घुस गया तो बाप 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 बोलते रहते। हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग का शब्द है। हाँ, बीसीडी में आया है तो बीसीडी में ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके बोल देती है, ऐसे समझ लो। त्रिमूर्ति का लक्ष्मी नारायण का मैं उनके मिला है, त्रिमूर्ति का चैतन्य मूर्ति, त्रिमूर्ति शिव का अर्थ त्रिमूर्ति में कौन कौन सी साकार में तीन मूर्तियां हैं जिनकी यादगार में झंडा बनाया गया है? ज्ञान हमें मिला है तो चित्र बदल सकते हैं, हम जो बोल सकते हैं। कोई चीज को बदलना बड़ा आसान है, बदल दो, छपा दो, पैसा खर्च कर दो, लेकिन उसको एडवर्टाइज कैसे करेंगे? संसार को समझाने की बात है ना, वो कैसे समझाएंगे? पर्चे छपाना सहज है, बैनर लगाना सहज है, पैसे देकर अखबारों में डालना सहज है, इंटरनेट में भी डालना सहज है, टीवी में दे दो, पैसे से आजकल सब कुछ होता है, लेकिन क्या उससे प्रत्यक्षता हो जाएगी? पक्का ग्राउंड बनेगा प्योरिटी से। जिसके पास जितनी प्योरिटी होगी उस प्योरिटी की पावर से वो त्रिमूर्ति शिव को प्रत्यक्ष करेगा। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी, लेकिन जो ब्रह्मा वाली आत्मा है उनके बुद्धि में नहीं है, वो लक्ष्मी तो फिर से बनने के और डायरेक्ट बना, वो सेकंड डे प्रशांत किया अमल मत प्रशांत, लेकिन मुरलियों में युवा वाले बोनस बना है, मेरा प्यारा परिचय है कृष्ण, मेरा ब्रह्मा वर्ग कृष्ण है, मेरे युवा वाले ब्रह्मा द्वारा देख रहा ब्रह्मा के पाठ बजाया, वो
उसके द्वारा जो मुरली निकला है उसमें बोला है मेरा प्यारा बच्चा है कृष्ण ब्रह्मा और कृष्ण 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 प्यारा बच्चा मेरा बाबा प्यारा बच्चा बोला है मुरली ने जब वो पुरुषा दूसरे माना सेकंड ऐसा कहने में तो नक्सल अक्षण प्राप्त नहीं किया बाबा ने किया ब्रह्मा बोला है कि ब्रह्मा और कृष्ण बोला है मेरा प्यारा बच्चा मैंने कौन बोला है आप पूरा वाक्य तो सही बोलिए एक्यूरेट वाक्य बोलिए क्या बोला है मुरली में मेरा प्यारा बच्चा कृष्ण है कमल नंबर मेरा प्यारा बच्चा कृष्ण कहाँ है कृष्ण तो बाबा कहते हैं सतयुग वाले बच्चे का नाम कृष्ण है शिव बाबा का कृष्ण बच्चा है क्या कृष्ण बच्चा शिव का है या नर से नारायण बनने वाले का है तो फिर शिव बाबा तो ये बात कह ही नहीं सकते कि सतयुग का कृष्ण मेरा अव्वल नंबर बच्चा है तो पहला पहला बच्चा है उसको ज्यादा महत्व वो पहला बच्चा सतयुग में होगा कृष्ण लेकिन उसको महत्व नहीं दे रहा है संगम युग में ब्राह्मणों का जीवन सबसे सर्वोच्च है या सतयुग में देवताओं का जीवन सबसे सर्वोच्च है फिर तो महत्व उनको कहाँ से दे देगा ये बोलता है तेरे बहाने से सरोगा वाला तेरे बहाने सरोगा वाला तो ब्रह्मा जब ब्रह्मा के उद्धार होते हैं उनका निश्चय होता है पक्का निश्चय बैठ लिए शिवशंकर बोलेगा गीता का भगवान शिवशंकर बोलेगा भाई मैं नहीं हूँ सबका बहुत हो जाएगा ना बाबा अब सबका सबका उद्धार हो जाएगा ना जब उनका मन में बुद्धि में ये बात पक्का बैठती है शिवशंकर अभी तक हुआ सोच रहा है मैं गीता के भगवान जब वो हटते हैं निकल जाती है उसकी बुद्धि में उनका उनका उद्धार वास्तव में इस जन्म में होना ही नहीं है क्यों नहीं होना है क्योंकि वो आत्मा तो सतयुग में ही जन्म लेगी जाके सतयुग की ही प्रारब्ध प्राप्त करेगी संगम युग के ब्राह्मणत्व की प्रारब्ध उनको नहीं मिलने वाली है तो नाम जो कृष्ण पढ़ता है वो शरीर के ऊपर नाम पढ़ता है या आत्मा के ऊपर नाम पढ़ता है नाम तो शरीर के ऊपर हाँ तो संगम युग में वास्तव में कृष्ण कौन है बाप संगम युगी कृष्ण बाप हो गया राम वाली आत्मा ही संगम युगी कृष्ण है नेक्स्ट टू गॉड हाँ जी जब तब आई तो हरेक जन्म में प्रवृत्ति नहीं रहे हरेक जब तो सन्यासी धर्म में जाते हैं क्योंकि वो डेट डेट ग्रैंड फादर है जरूर सन्यासी धर्म में भी जाना पड़ता है किस लिए जाना पड़ता है प्रजापिता वाली आत्मा को या प्रजापिता की सहयोगी आत्माओं को कोई भी धर्म में किस लिए जाना पड़ता है लेकिन सन्यासियों का तो राज्य होता ही नहीं लेकिन तो मठाधीश होता है वो राज्य नहीं है नहीं वो राजा नहीं होते हैं लेकिन हेड होते हैं हाँ उसको राज्य नहीं कर रहे हाँ क्यों नहीं होगा बाबा जो कुछ भी बोलते हैं हद में बोलते हैं या वेद में भी लागू होता है भारत का पहला राष्ट्रपति था ना
लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहा और उसके बारे में ये बात तो बहुत खराब हो गई कि वो बीमार पड़ा तो डॉक्टर लोग बिल्कुल सोते रहे, ध्यान ही नहीं दिया। जिसने भारत की इतनी सेवा की उसकी सेवा के प्रति तो बहुत ज्यादा सजग रहना चाहिए। है वो देखना पड़ेगा ना कौन से सन में शरीर छोड़ा। शरीर तो भगवान का शरीर ना, राजेंद्र प्रसाद ने कौन से सन में शरीर छोड़ा। अब वो हिसाब लगाना पड़ेगा ना। जब घड़ी बेचते हैं तो 10:10 पर ही रखते हैं, ऐसा कुछ है? घड़ी बेचने वाले घड़ी बेचते हैं तो घड़ी का टाइम 10:10 पर ही रखते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होता। उत्तर भारत की स्त्रियां सिंदूर लगाना अच्छा मानती हैं और दक्षिण भारत की स्त्रियां सिंदूर नहीं लगाती हैं। मंगलसूत्र पहनना अच्छा मानती हैं। ऐसा क्यों होता है? शादी होता है तब। हाँ हाँ, नॉर्थ इंडिया में बिंदी लगाते हैं, साउथ इंडिया में इतना बिंदी लगाने का प्रचलन भले नहीं है लेकिन मंगलसूत्र जरूर पहनते हैं। हाँ जी, दुनिया वालों की शूटिंग नहीं होती है। बेहद ड्रामा में, लेकिन जो ज्ञान में आकर बाहर की दुनिया में चले जाते हैं उनकी शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? ज्ञान में आए और फिर छोड़ गए, बाहर की दुनिया में चले गए, तो उनकी शूटिंग होती है या नहीं होती है? होती है, प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। जो ज्ञान में आए निश्चय बुद्धि बने, 2-4 दिन के लिए उनकी ऐसी स्टेज बन जाती है जो कुछ है साहब शिव बाबा का, हम हैं ही शिव बाबा के लिए, एकदम जैसे सरेंडर बुद्धि हो जाते हैं, खुशी का पारा चढ़ जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो राज परिवार में आ गए और फिर टूट गए ज्ञान में से, तो राज परिवार से टूट गए। बाहर की दुनिया में भले चले जाते हैं तो उनकी प्रजावर्ग की शूटिंग हो जाती है। किसी ने लिखा है जो अनिश्चय पत्र लिखकर घर चले जाते हैं वो गीता पाठशाला में जाकर मुरली सुन सकते हैं क्या? जिनको निश्चय होता है, निश्चय पूर्वक ज्ञान में चलते हैं, वो जब छोड़ के जाते हैं तो क्या अनिश्चय पत्र लिखते हैं? नहीं, नहीं।
ये तो गलत बात लिख दी। शायद लिखने वाला ये लिख रहा है कि जो सरेंडर होने के बाद त्याग पत्र लिखकर चले जाते हैं वो गीता पाठशाला में जाकर मुरली सुन सकते हैं क्या? उन्हें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सरेंडर हो गए, सरेंडर होने के बाद नॉन सरेंडर जैसी जिंदगी व्यतीत करेंगे। त्याग पत्र दे दिया लिखकर, वो होता है या नहीं होता है ये बात नहीं, कानून क्या कहता है। त्याग पत्र दे दिया तो कनेक्शन टूट गया या रह गया? कनेक्शन टूट गया, जरूर कहीं दूसरी जगह कनेक्शन जुट गया है। जावेंगे कहाँ? आ तो आ जाएं तो भट्टी करें, दोबारा माफीनामा लिखें, माफीनामा लिख करके फिर से बाबा के बच्चे बन जाए। हत्ती तो एक ही है, जावेंगे कहाँ? पर ये बात तो गलत है कि त्याग पत्र लिखने के बाद फिर गीता पाठशालाओं में जाते रहे तो वो अपनी पढ़ाई पढ़ाएंगे या गीता पाठशाला की पढ़ाई पढ़ाएंगे? वो यही बात पढ़ाएंगे, सरेंडर कभी नहीं होना, बाप के बनकर कभी नहीं रहना, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। कन्वर्ट होना सिखाएंगे या देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बनना सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? कन्वर्ट होना सिखाएंगे। हाँ, हो सकता है हमने तो क्या गलत किया, बच्चे को साथ ही रहना। दूसरों को शिक्षा तब देनी चाहिए जब पहले खुद शिक्षा ले लें, खुद सही रास्ते पर चलें। तो पहले तो जाके भट्टी करो, दोबारा माफीनामा लिखो, उसके बाद बल गीता पाठशाला में जाओ, चाहे मिनी मधु में जाओ। मूर्ति के चित्र में शंकर को कोई अलंकार नहीं दिखाए हैं, तो ये स्टेज किस समय की है? नंगा दिखाया है, नंगा माने आत्मा, आत्म की स्थिति लगातार बन जाए तो कहेंगे त्रिमूर्ति का चित्र में जो दिखाया गया है वही स्टेज है। साकार में निराकार प्रवेश करता है तो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। क्या ऐसा है? साकार को सर्वशक्तिमान कहेंगे? निराकार साकार में प्रवेश करता, प्रवेश करता है तो साकार सर्वशक्तिमान है? नहीं है। लेकिन माया में ऐसी क्या विशेषता है जो सर्वशक्तिमान कहलाती है? माया में यही विशेषता है कि माया बेटी सबसे पहले सरेंडर होती है। इसका मतलब हुआ कि एडवांस में भले अभी चल रहे हैं हजारों, लेकिन आज ज्ञान में चलते हैं और कल नीचे ऊपर होने लग पड़ते हैं। घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि। लेकिन माया जब ज्ञान में निकलती है, एडवांस में निकलती है, तो सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि हो जाती है।
फुल सरेंडर हो जाती है। इसलिए या तो माया सर्वशक्तिवान है या तो बाबा सर्वशक्तिवान है। हरी लाल झंडी दिखाई जा रही है बहुत देर से।